कि मुझे जो सारिपुत्र हैं वो मारते हैं, पीटते हैं, अपशब्द कहते हैं, और ऐसा उसने आरोप लगाया सारिपुत्र के ऊपर। भगवान के सामने जब ये आरोप आया तो भगवान ने सारिपुत्र को बुलाया, उनसे कहा कि ये जो सामेर ऐसा बोल रहा है, आपका क्या कहना है। तब धम्मपद गाथा कथा नंबर 95 या 95, ये सारिपुत्र की कथा है जैतवन की। वत्सावास का समय समाप्त हो चुका है। वत्सावास का मतलब है कि जो वर्षा है, जो बारिश हो रही है, उसका जो आवास है, जो रहने लगे थे भिक्खु, वो खत्म हो चुका है। अब वर्षा नहीं होगी। अब भिक्खुओं को चारिका पर जाना है। चारिका का मतलब है धम्म चारिका, धम्मचर्या, यानी लोगों को धम्म सिखाने के लिए निकलना है। निकलने के लिए सब तैयार हैं। 3-4 महीने वो एक ही विहार में रहे हैं, तो वहां एक ही जगह विहार में रहते रहते जो एक सामनेर है, वो सामनेर का मन नहीं है जाने का, क्योंकि बिहार का जो 3-4 महीने रहा है उसका राग हो गया। बिहार अच्छा है, चारिका करने जाएंगे तो पता नहीं कहीं पिंड मिले ना मिले, आहार मिले ना मिले, कहीं सोने को मिले ना मिले, कहीं कोई कीड़ा है, पतंगा है, 50 तरह की आफत है, कैसा व्यवहार मिले, फिर अलग अलग जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चारिका में कष्ट तो है, क्योंकि चारिका का मतलब है घूम घूम कर पढ़ाना, पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को पढ़ाना पूरे 8-9 महीने तक। स्कूल ये था, कॉलेज ये थे, यूनिवर्सिटी भी ये थी, चलती फिरती यूनिवर्सिटी, चलता फिरता कॉलेज, और सबको पढ़ाना है, और पैसा भी कुछ नहीं लेना है। खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जैसा जगह हो वैसे ही रहना है। तो उस सामने ने सोचा कि इसे जान कैसे छुड़ाई जाए, तो उसने कहा कि मुझे जो सारिपुत्र हैं वो मारते हैं, पीटते हैं, अपशब्द कहते हैं, और ऐसा उसने आरोप लगाया सारिपुत्र के ऊपर। भगवान के सामने जब ये आरोप आया तो भगवान ने सारिपुत्र को बुलाया, उनसे कहा कि ये जो सामेर ऐसा बोल रहा है, आपका क्या कहना है। तब सारिपुत्र ने कहा कि मैं तो बिल्कुल पृथ्वी के समान ऐसा हूँ कि कोई भी मुझे चाहे मेरे ऊपर चले या कूदे या कीचड़ फेंके या फूल फेंके, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं काया से कष्ट से सबसे दूर हूँ, यानी कि वो किसी को टच भी नहीं करते, मारते भी नहीं है, और अपशब्द भी नहीं कहते, जिसने जो कहा ठीक है, धर्म के अनुसार विनय के अनुसार काम करते हैं। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, क्योंकि उस सफाई के बाद में उस सामने ने बड़ा ग्लानि महसूस की, बड़ा पश्चाताप हुआ उसे, उसने माफी मांगी, और भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। पृथ्वी समो नो विरुज्झति इद खिलु उपमाओ तादि सुब्रतो रहदो एव अपेत कदमो संसारा ने भवन्ति तादिको। पृथ्वी समो नो विरुज्झति, पृथ्वी समो नो विरुज्झति का मतलब है कि पृथ्वी के समान विरोध नहीं करता है, यानी जैसे पृथ्वी विरोध नहीं करती, चाहे कोई इसके ऊपर कीचड़ डाले या पानी डाले या इसके ऊपर भूकंप आए या इसके ऊपर तूफान आए या इसके ऊपर कोई फूल खिले या फल खिले या सब्जी है या पेड़ है या पौधे हैं, कोई कुछ भी करे, ये कभी उसका विरोध नहीं करती। ऐसा नहीं करती कि आपने कीचड़ किया तो आपको कुछ पृथ्वी ने कह दिया, या आपने इसके ऊपर फूल उगाए तो आपको कुछ इनाम दे दिया, ये बिल्कुल शांत रहती है। तो सारिपुत्र कहते हैं मैं पृथ्वी की तरह ऐसा ही हूं, मैं कोई विरोध नहीं करता। इद खिल उपमो तादि सुबत्तो, इद खिल उपमो तादि सुबत्तो, ये जो इद खिल है, इद खिल की उपमा, इसका मतलब है इद खिल जैसा या इद खिल की उपमा। तादि माने तादरस, यानी उसके जैसा, उसके जैसा सुब्रतो यानी सुब्रत, यानी कि उसकी तरह से मैं सदाचारी आचरण करता हूं। तो ये जो खील है, बेसिकली जो इद खील है, इसको समझे क्या है, क्योंकि ये इद खील ही है जो शिवलिंग का प्रारंभिक नाम है। जितने भी शिवलिंग आप देखोगे, यानी सीलिंग आप देखोगे, सीलों के अंग के जो स्तंभ देखोगे आप, उसका जो प्रारंभिक रूप है, जो प्रारंभिक आधार है, वो ये इद खील है। खील माने होता है कठोर, और इद माने होता है इंद्रियों, यानी इंद्रियों में कठोरता। अब इंद्रियों में जो कठोरता है, इंद्री कौन सी है, यानी सेंसेस में कठोरता, यानी कि जो आपने की जो 5 सेंसेस हैं, सूंघने का है, खाने का है, चखने का है, देखने का है, टच करने का है,
या ये टेस्ट करने का जीभ है, यानी जीभ हो गई या नाक हो गई या आंख हो गई या कान हो गई या पूरी बॉडी त्वचा हो गई, ये पांचों आपके सेंसेस है जिनसे अच्छाई या बुराई दोनों आप ग्रहण करते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। यहीं से राग और यहीं से द्वेष पैदा होता है। और पांचवा इन सबसे आपका छठा बनता है मन, तो इसको इंद्रियां बोलते हैं, इंद्रियां पाली के अंदर इंद्रियां, और बाद में इसको इंद्रियां बोला गया, यानी एक को इंद्र बोलते हैं और बाकी को इंद्रियां, ऐसी इद या इद्दियां। तो ये नगर द्वार के बाहर, यानी पहले जो नगर होते थे, सिटी होते थे, वो बाउंड्री वाले होते थे, पूरे कवर होते थे ताकि लूटपाट ना हो और कोई आदमी चोरी चकारी करने ना आए, जानवर ना आए, खासतौर से तो जानवर बहुत आते थे। तो नगर के मेन द्वार पर नीचे एक गड्ढा करके उसमें एक पत्थर फंसा के और उसमें एक लाट यानी कि एक स्तंभ खड़ा किया जाता था। वो आज भी जब कोई मुसीबत आती है तो लोग आज भी उसको याद करते हैं, और आज भी वो इसको कहते हैं ओखली में मूसल खड़ा करना। बेसिकली ये जो ओखली है ये है आधार स्तंभ है, ये पूरे जो प्रज्ञा है समझ है उसके, और जो ये स्तंभ है सीलंग यानी सीलों का अंग है, इसको इद्दियां भी बोलते हैं, इद्दिया अंग यानी कि इंद्रियों के अंग है ये। तो ये इतने मजबूत गाड़े जाते हैं कि हवा कितनी तेज चले ये कांपते नहीं है, यानी कि व्यक्ति को ये प्रेरणा देते हैं कि चाहे कितनी बुराई आए, बुराइयों की आंधी आए, मगर आपने इसकी तरह एकंप रहना है, बिना कांपते हुए रहना है, बिल्कुल स्थिर रहना है, जरा सा भी हल्की सी कंपन ना जाए। तो वो कहते हैं सारे पुत्र कि मैं तो जो इद्ध खीलंग है यानी कि इद्ध की तरह जो स्तंभ है कठोरता से गड़ा हुआ है उसकी तरह हूं, मैं राग द्वेष से कंपित नहीं होता, कांपता नहीं हूं। यही इद्ध खील बाद में सीलंग बना, जिसको आज की डेट में शिवलिंग बोलते हैं। ये उस समय प्रारंभिक है जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। फिर वो कहते हैं रह दो एव अपेत कदमों, रह दो माने होता है तालाब, कीचड़ से भरा हुआ तालाब। जैसे कीचड़ से भरा हुआ तालाब क्या होता है, अपेत कदमों, अपेत कदमों का मतलब है सूखा रहता है, बिना बिना लपेटे हुए, यानी कीचड़ से बिना लपेटे हुए। कह रहे जैसे कीचड़ के भरे हुए तालाब में मैं बिना कीचड़ के पैर के निकल गया, मैं तो ऐसा हूं। संसारा ने भवंती तादी को, संसारा ने भवंती तादी को, संसारा ने भवंती, संसारा का मतलब है जो संसार शब्द है इसका मतलब दुनिया नहीं है, वर्ड नहीं है, संसार का मतलब है सार, से का मतलब है नीचे। जैसे संतुष्टि होती है अपनी तुष्टि अपनी प्रसन्नता, ऐसे ही संसार होता है अपना सार, यानी कि निज का सार जो मेरे अंदर है। संसारा आगे कहते हैं, संसारा ने भवंती तादी को, कहते हैं मेरे अंदर निज के अंदर कुछ भी नहीं होता, तो वो कुछ भी नहीं होता। इसको भगवान बुद्ध ने अपनी भाषा में कहा और कहा कि अर्हत के अंदर कुछ नहीं होता, यानी जो सारी पुत्र से बातचीत हुई उसका उन्होंने वहां पर पूरा गाथा बना के कहा कि ये अर्थ है और अर्थ के अंदर ये गुण नहीं होते, जो बातचीत में सार निकल के आया। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, पथवी समो नो विरुज्जति इद्ध खील उपमो तादि सुब्बतो रह दो एव अपेत कदमो संसारा ने भवंती तादि को। ये है गाथा कथा कथा नंबर 95। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami. Dhammam Saranam.
Kamesu mitcha chara virmani sikkha padam smadhyami.